मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया, किसी भी धर्म पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, मत मजहब संप्रदाय का सम्मान करें, लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए ये बड़ा बयान दिया है, मत मजहब संप्रदाय का सम्मान करें, सीएम की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया, ये बड़ी खबर लखनऊ से है, लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। तो सीएम की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखे ये बड़ा बयान दिया है, किसी संप्रदाय के महापुरुषों पर अपमानजनक ना बोले, महापुरुषों के प्रति मन में कृतज्ञता का भाव हो, सीएम की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। तो देखे लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है, जबरन किसी पर थोपा नहीं जा सकता। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए बड़ा बयान दिया है, लगातार देखिए जिस तरीके से विवाद चल रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा किसी भी धर्म पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मत मजहब संप्रदाय का सम्मान करें, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, उन्होंने कहा है लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। तो सीएम की तरफ से देखिए ये बड़ा बयान दिया गया, विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है किसी संप्रदाय के महापुरुषों पर अपमानजनक न बोले, आगे उन्होंने कहा कि महापुरुषों के प्रति मन में कृतज्ञता का अभाव हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए ये बड़ा बयान दिया गया, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो जबरन किसी पर थोपा नहीं जा सकता है, सीएम ने देखिए ये बड़ा बयान दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि किसी भी धर्म पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मत मजहब संप्रदाय का सम्मान करें, लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। तो मत मजहब और संप्रदाय का सम्मान करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए ये बड़ा बयान दिया, ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जिस तरीके से आजकल की स्थितियां देखने को मिल रही है, वहीं विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं। तो किसी संप्रदाय के महापुरुषों पर अपमानजनक ना बोले, सीएम की तरफ से ये हिदायत दी गई है, महापुरुषों के प्रति मन में कृतज्ञता का भाव हो, देखिए दूसरों का एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और जरा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए, संदीप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है कि मत और मजहब के बारे में ना बोले और एक दूसरे का सम्मान करें। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी और अन्य विभागों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक करी और देखिए तमाम बड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसी का भी मजहब हो उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, और उसी के साथ साथ देखिए ये जो पूरी आज बैठक हुई है, ये आगामी जो त्यौहार हैं चाहे दशहरा का हो चाहे दिवाली का हो, जिस तरीके से नवरात्र चल रहे हैं इसके संबंध में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए ये भी कहा है कि विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं होगी, दुस्साहस किया तो उसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी, यानी आस्था को लेकर कोई जो खिलवाड़ है वो बर्दाश्त नहीं है। पिछले समय से आपने देखा है कि तमाम तरीके की दिक्कतें आई थी आस्था को लेकर, वो चाहे घी में मिलावट करने को लेकर हो, प्रसाद में मिलावट करने को लेकर हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सकते हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि महापुरुषों के प्रति जो है नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव, लेकिन इसके लिए आप किसी को जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते हैं, आप उसका सम्मान करते हैं ठीक है, लेकिन आप दूसरे को उसका सम्मान करने के लिए नहीं कह सकते हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप किसी भी साधु संतों के विरुद्ध, महापुरुषों के इष्ट देवी देवता के, अगर आप उनका विरोध किसी भी तरीके से आप उनके लिए अपमानजनक टिप्पणी करेंगे तो आपके खिलाफ एक कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी पिछले समय से जितना ये कहा जा सकता है कि चाहे इष्ट देवी देवता का अपमान हो, प्रसाद में मिलावट हो, एक मजहब को लेकर टारगेट करने का प्रयास हो, या फिर अन्य तरीके की जो भी देखिए घटनाएं हो रही थी, उस पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाम लगाने का फैसला किया। अपर मुख्य सचिव गृह डीजीपी सभी विभाग के जो वरिष्ठ आज अधिकारी थे वो आज यहाँ पर मौजूद थे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि आप लोग पेट्रोलिंग करिए, ग्राउंड लेवल पर उतरिए, पुलिस की संख्या बढ़ाइए, महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाइए, जहां पर सीसीटीवी लगे उनको चेक करिए वो काम कर रहे हैं या नहीं कर। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी बड़ी दुर्घटना में सीसीटीवी ही एक अंतिम जो है वो सूत्र होता है जिससे अपराधी तक पहुंचा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि देखिए आज जो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं,
पुलिस विभाग के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए, सभी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि इनका जो है वो पालन कराया जाए। जी बिल्कुल संदीप, ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि धार्मिक बयानों से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सीएम ने ये सख्त निर्देश भी दिए कि इस तरह का माहौल ना बनाया जाए। देखिए, इधर अगर हम विपक्ष की बात कर लें या फिर कुछ लोगों की बात कर लें, उन्होंने लगातार देखिए माहौल खराब करने का प्रयास किया। साधु संतों का अपमान हो, वो चाहे अयोध्या की बात करें, अन्य जगहों की बात करें, तो इसको लेकर देखिए सरकार जो है वो सख्त है और वो चाहती है कि एक नई परंपरा जो है वो ना पैदा हो। पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि त्योहारों के दौरान गाइडलाइंस का फॉलो कराया जाए। अब ये जो इधर साधु संतों की बात करी जाए, प्रसाद में मिलावट की बात करी जाए, थूक जिहाद जैसी बात करी जाए, तो ऐसे मुद्दों को रोकना होगा, क्योंकि देखिए सरकार के पास जो है वो एक मजबूत रणनीति है, लेकिन उस रणनीति को ग्राउंड लेवल पर उतारने के लिए अधिकारियों की जरूरत होती है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चप्पे चप्पे पर ध्यान रखिए, कहीं पर भी धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर किसी तरीके का खिलवाड़ ना हो। अगर कहीं पर छोटी भी घटनाएं होती हैं तो वहां पर त्वरित जो है पुलिस पहुंचकर कार्रवाई करे। डीएम हो, चाहे शासन के तमाम अधिकारी हो, सभी लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इसके पहले आपने देखा था तमाम डीएम जिलों के डीएम को, कप्तान को सीएम योगी ने लतार लगाई थी, इसीलिए कि लगातार शिकायतें आ रही थी लेकिन उसका निस्तारण नहीं होता है। तो आज दीपावली, दशहरा और इसी के साथ साथ अन्य त्योहारों को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश दिए और ये भी कहा है कि जो इन निर्देशों को अनसुना करेगा वो अधिकारी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर गाजियाबाद से है, जहां पर देखिए कपड़े उतार कर विरोध प्रदर्शन करने वाले व्यापारी पर केस दर्ज हो गया है। व्यापारी अक्षत जैन पर स्टेट